हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। दोस्तों, आप सबको स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग विशू डॉट पिंकी में। कैसे हैं आप सभी? अभी तो मैं सो के उठी हूँ, बहुत मतलब नींद आ रहा था। जब ये लोग चले गए ड्यूटी तो मुझे सब कुछ कर उन कर दी थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो मैं लगी बर्तन धुलने। बर्तन धुल के आई, मैं रोज़ सो नहीं पा रही हूँ दोस्तों। ऐसे मतलब रात को लेट से सोना पड़ रहा है, और उसके बाद इस टाइम लग रहा है कि मतलब पूरा आँख पता नहीं कैसे हो रहा था, तो मैं कहीं सो ले रही हूँ थोड़ा सा, तो फिर से लगी सो, तो मैं आई यहाँ पर तो ये जग गई। तो उसके बाद से इसको सुलाई, उसके बाद से बर्तन धुलने लग गए। बर्तन वर्तन धुलकर साफ़ सफाई करके जो भी है, उसके बाद से सोची मैं थोड़ा सा सो लूँ, तो फिर से सो के उठ गई। अब क्या करूँ, फिर से इसको लेकर बनाया बनाया, उसी में जगी थी, खेल रही थी, थोड़ा सा मैं सो गई हूँ। और इतना मतलब आँख दर्द कर रहा था सोने के लिए, रात को मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, अचानक एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, मेरा सर में इतना दर्द था, इतना दर्द, और पूरा मतलब ये है, ये दोनों दर्द कर रहा था और सर दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेडिसिन तो नहीं था वो, मतलब कॉम्बिफ्लो हमेशा रखते हैं, पैरासीटामोल रखते हैं, तो ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची मैं क्या करूँ, तो फिर से बोले इनसे, तो ये बोले कि नहीं है, तो फिर पता नहीं दवा रखे थे ये, तो दिए खाए, तो फिर आराम, इतना दर्द था कि फिर भी आराम नहीं हो रहा था। फिर मैं क्या की कि पूरा ऑयली ऑयली हो गया था, पूरा ऑयल लगाई थी इसमें। और सुबह क्या की हूँ, ऑयल लगाना मुझे पसंद नहीं है, मैं सुबह नहा ली हूँ। ऑयल जब लगाते हैं तो मुझे लगता है और मैं बीमार पड़ गई हूँ, पूरा बीमार जैसी हालत हो जाती है हमारी, और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। लगता है कि कितना ऑयली ऑयली हो गया है, न खाना बनाने का मन करता है, लगता है पहले जाके सब कुछ छोड़ के पहले नहा लूँ। ऐसा लगता है पहले मैं नहा लूँ, और नहाने के जस्ट बाद ये पूरा हल्का हल्का हो जाता है। तो फिर से आई नहा के सुबह में, तो खाना बनाए, और खाना बना कर बाबू से बात किए, और उन लोगों को भेजे नहाने के लिए जाने के लिए। और मैं इसको देखने लगी, क्योंकि ये सुबह जग जाती है, आप सबको पता ही है 4 बजे के लमसम ये जग जाती है, तो इसको भी देखना होता है। तो मैं किचन थोड़ा सा मतलब उधर है, दूर पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा मनाते हैं, खिलाते हैं, और मोबाइल चलाते रहते हैं। अब मेरी बेटी मोबाइल बहुत ध्यान है, मोबाइल देखती रहती है जब ये चलाते हैं, तो बहुत आराम से खेलती है। तो फिर वो इसको देखते हैं और मैं चली जाती हूँ किचन में काम करने। तो खाना वाना बना के आई, अभी कुछ मतलब इन लोगों का बन गया था, और मतलब ये लोग मतलब लेकर जाते हैं, चाहे पराठा हो चाहे पूड़ी हो, सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं, और दाल चावल सब्जी वगैरह खा के जाते हैं, तो वो सब एक ही बार बनाना पड़ता है। तो फिर दाल चावल सब्जी बनाई, और इन लोग का लंच पैक की, और ये लोग गए लो, और इसको हम थोड़ा सा सुलाएं और नाश्ता किए, और नाश्ता करके आराम से बर्तन वर्तन धुल के सुला कर अब बर्तन वर्तन धुल के आगे लेट गए। मैं भी थोड़ा सा आराम कर ली हूँ, नींद हाँ मतलब सो गई हूँ, एक घंटा सो गई, इतना फ्रेश महसूस हो रहा है मुझे, इतना फ्रेश। सही बात है, अगर नींद पूरा ना होना तो बिना बीमारी का बीमारी हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं इतना फ्रेश इस टाइम महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो के उठी हूँ तो बाहर आंटी आई थी, भाभी बात कर रही थी, तो आवाज़ आ रहा था खूब ज़्यादा, तो मुझे लगा कौन आ गया है आज। तो फिर से मैं गई हूँ तो देखी हूँ, देखिए दोस्तों अभी सो के उठी हूँ, फिर उनसे बातें की हूँ, बातें होते करके देखिए कितना ये बदमाशी कर रही है क्या बेटा। उसके बाद से इसको फिर से मालिश की हूँ, मालिश की हूँ, और ये आराम कर रही है। मैं सोच रही हूँ, जानते हैं मुझे जल्दी खाना बना लेना होता है इस टाइम भी, वो लोग आते हैं लोग 8 बजे आते हैं लोग, और उस टाइम से मानती नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा किसी के पास नहीं रुकेगी, शाम हो जाता है। तो फिर से अभी एक बार और मालिश करेंगे और इसको सुला देंगे, और सुला के मैं चली जाऊंगी खाना बनाने। इसको छोड़कर नहीं जाती हूँ, कुछ कुछ आ कर मतलब करके देखने आती हूँ इसको कि क्या कर रही है, सुई है कि क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, बहुत लगता है, बहुत पता नहीं क्यों ना बहुत मोह लगता है दोस्तों इसके ऊपर, ऐसे लगता है अकेले सब कुछ करना पड़ जाता है और इसको छोड़ना पड़ जाता है, रोती है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे।
इसके पापा रहते हैं तो इसको मतलब बिना कहे खिलाते रहते हैं, इसको लिए रहते हैं, जब वो रहते हैं तो मेरा कोई काम नहीं है इसके पीछे, और इसको लेकर वो खिलाते रहते हैं और मैं जाके खाना बनाती चाहे जो भी काम है मैं आराम से करती हूँ, और उसके उनके पास ही रहती है ना तो मुझे तसल्ली भी रहता है, पता नहीं क्यों, हाँ लगता है सेफ है। और किसी के पास रहती है तो नहीं लगता है, रोएगी कोई मनाएगा कि नहीं मनाएगा ऐसा फील होता है, लेकिन उनके पास रहती है तो मुझे बिल्कुल सेफ महसूस होता है। ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मतलब बहुत बुरा काम हो गया है मेरे साथ, सुबह सुबह उठे और गई वहाँ पे, रात को सर दर्द कर रहा है बता रही हूँ आपको, बर्तन वर्तन सब ऐसे ही था, बर्तन तो धुलाया नहीं था, रात को चिकन वन बना था बर्तन धुलाया नहीं था, तो बर्तन धुलने के लिए मैं सुबह उठी लेकर जा रही थी तब तक ये कुकर मेरा गिर गया हाथ से और कुकर टूट गया। अब तो और लेट हो गया खाना बनाने के लिए ना, पहले तो मतलब तुरंत हो जाता था, अब लेट होगा ना तो फिर क्या कि कैसे भी इनसे बताए टूट गया कुछ बोले नहीं, और फिर ऐसे उसको ले जाकर बर्तन धुली ला कर रखी, और चावल दाल जल्दी से हो जाता है, और इसमें पतीला वतीला में मुझे बनाने नहीं आता है, मैं कुकर में ही सब कुछ बनाती हूँ। हाँ बेटा लग रहा है रो रही है लेकिन रो नहीं रही है, ये बात कर रही है। हाँ हाँ बात करोगे, तू भी बात करोगे बेटा, आ जाओ बात करोगे। हाँ सोना देख रहे हैं लग रहा है रो रही है लेकिन रो नहीं रही है, हाँ बात कर रही है ये, अभी सोने का इसका आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ इसको सुलाती हूँ अभी, ठीक है।